हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और फाइनली यहां पे Xiaomi ने अपना Mi Mix 2 जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है। ये Xiaomi का पहला प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन है आफ्टर Xiaomi के Mi 5 के जो इंडिया के अंदर उन्होंने जो वो लॉन्च किया। अब Mi Mix 2 आया है बहुत ही जल्दी, उन्होंने लॉन्च किया है जो चाइना में लॉन्च हुआ था कुछ उसी प्राइसिंग के हिसाब से उन्होंने इंडिया के अंदर वही सेम प्राइस सेगमेंट में जो वो लॉन्च किया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि Xiaomi जो Mi Mix 2 लॉन्च हुआ है, जो प्राइस सेगमेंट उन्होंने लॉन्च किया है, वहां पे आपको नोकिया 8 और OnePlus 5 जो वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, जो मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताऊंगा कि ये तीनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन यहाँ पे बेस्ट है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताते हैं कि Xiaomi Mi Mix 2 का जो डिजाइन है वो किलर है। उसके डिजाइन के कंपैरिजन में कोई भी स्मार्टफोन आज मार्केट में यहाँ पे जो वो नहीं मौजूद है, ये बात मैंने आपसे पहले जो वो क्लियर कर दिया। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे Xiaomi Mi Mix 2 की। तो आप लोगों को बता देते हो कि 36,000 रुपीस की प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 30,000 से 32,000 रुपए के आसपास या 33,000 रुपए के आसपास, लेकिन Xiaomi Mi Mix 2 यहाँ पे जो 36,000 रुपए तक का जो चला गया है। बात करते हैं यहाँ पे इस फोन के डिजाइन की, तो आपको यहाँ पे जो सेरेमिक बॉडी डिजाइन मिलती है, आपको साथ में 7 सीरीज वाली एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में आता है। हालांकि जो इंडिया में लॉन्च किया गया वो नॉर्मल वाला वेरिएंट है, बेसिक वाला है, जो एकदम से ऑल सेरेमिक बॉडी वाला जो स्पेशल एडिशन है जिसके अंदर आपको 8GB की रैम मिलती है, वो यहाँ पे उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। सिर्फ बेसिक वाला जो 6GB रैम और 128GB वाला स्टोरेज के साथ में आपको जो वो मिलता है। आप लोगों को इसके अंदर जो वो 6 इंच की यानी कि 5.99 इंच की एक फुल HD+ की जो वो डिस्प्ले मिलती है, जहाँ पे 1080x2160 वाली आपको जो रेजोल्यूशन मिलती है। ये जो एक 18:9 वाली एस्पेक्ट रेशियो वाला फोन है, आपको फुल बेजललेस डिस्प्ले मिलती है जो इस फोन की USP है। इस वजह से ये फोन की डिजाइन यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल लगती है। आप लोगों को यहाँ पे जो वो 6GB की रैम मिलती है, आपको 128GB की स्टोरेज मिलती है, आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, आप माइक्रो SD कार्ड लगा के इसके अंदर जो स्टोरेज को एक्सपांड भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 835 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि अच्छी बात है, अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर आपको इसके अंदर जो देखने को मिलता है। 12 MP का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जो कि सोनी का IMX386 वाला सेंसर है। आप लोग को F2.0 का अपर्चर मिलता है। यहाँ पे आप लोग को OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का भी जो सपोर्ट मिलता है। अनफॉर्चुनेटली 5 MP का आपको सिर्फ सेल्फी कैमरा मिलता है। अक्सर Xiaomi के स्मार्टफोन में 5 MP के ही कैमरे होते हैं, और मुझे पता नहीं Xiaomi ये कब इंप्रूव करेगा। इतना बड़ा फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किया, लेकिन सिर्फ आपको 5 MP का ही जो वो सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अंदर आपको फेशियल रिकॉग्निशन वाला फीचर मिलता है, तो ये काफी अच्छी और अप्रिशिएटिंग बात है। यहाँ पे आप लोग को इसके अंदर जो 3400 mAh की आपको जो बैटरी मिलती है, और ये जो स्मार्टफोन है अपनी प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग उसकी प्राइसिंग 32,000 से 30,000 के बीच में होती तो अच्छा रहता था। सिर्फ डिजाइन यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल बनाई है। आपको जो रियर साइड में जो कैमरा मिलता है उसके अंदर जो 18K की गोल्ड के साथ में जो सराउंड किया गया है, और सबको यहाँ पे सब कुछ अच्छा जो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन की, तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि OnePlus 5 और यहाँ पे Nokia 8 इन दोनों का ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, लेकिन यहाँ पे उन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है, जो आपको Xiaomi के Mi Mix 2 में देखने को नहीं मिलता है। सुनने में तो काफी छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है कि Xiaomi Mi Mix 2 में आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, जो आपको Nokia 8 और OnePlus 5 में जो देखने को मिल जाता है। आप लोगों को Nokia 8 में एक 2K का डिस्प्ले मिलता है, Nokia 8 में आपको 13 का रियर तो 13 का सेल्फी मिलता है, हालांकि डुअल रियर फेसिंग कैमरे मिलते हैं। OnePlus 5 में भी आपको डुअल कैमरा मिलता है, उसके अंदर भी आपको बेस्ट सेल्फी कैमरा मिलता है, लेकिन Mi Mix 2 में आपको सिर्फ सिंगल 12 MP का मिलता है, तो आपको सिर्फ 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन 6GB रैम 128GB स्टोरेज, ये काफी अच्छी चीज है जो आपको Nokia 8 में नहीं मिलती है। वहां पे आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1-2,000 रुपए ज्यादा डालते हैं तो आपको OnePlus 5 वाला 8GB वाला वेरिएंट मिलता है, उसके अंदर आपको 128GB वाला स्टोरेज मिलता है। तो मेरे हिसाब से Xiaomi का जो Mi Mix 2 है अपनी प्राइसिंग से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा है, 30,000 से 32,000 रुपए के बीच में होता तो काफी अच्छा होता था। सिर्फ ब्यूटीफुली डिजाइन स्मार्टफोन में इसको कह सकता हूं, लेकिन प्रोसेसर स्टोरेज और रैम अगर मैं दूसरे स्मार्टफोन से कंपेयर करता तो मुझे इतना भी बेस्ट जो वो नहीं लगा है। Xiaomi का Mi Mix 2 आप लोगों को परचेस करना है तो 17 अक्टूबर से इसका प्रीव्यू सेल जो वो स्टार्ट हो रहा है, आप इसको जाके फ्लिपकार्ट वगैरह MI.com से वो परचेस कर सकते हैं, और नवंबर के फर्स्ट वीक से ये अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको डायरेक्टली वहां से जाके जो वो परचेस कर सकते हैं। अब जब भी आएगा मैं आप लोगों को जरूर से यहां पर जो वो बता दूंगा। तो Xiaomi का Mi Mix 2 इंडिया के अंदर फाइनली आ चुका है, तो मैंने आप लोगों को अपनी एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, आपको Nokia 8 और OnePlus 5 से कंपेयर करके बता दिया कि ये स्मार्टफोन में जो लॉन्च किया गया है उसमें क्या क्या मिसिंग है, और वो स्मार्टफोन में वहां पे आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा और भी जो वो मिल रही है। सिर्फ डिजाइन यहां पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मिल रहा है, बाकी वहां पे भी आपको OnePlus 5 में भी अच्छा डिजाइन मिलता है। हाँ, Nokia में थोड़ा इतना खास डिजाइन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से मैंने अपनी फेयर ओपिनियन दे दिया, ये आपकी राय है, आप अपना डिसाइड करिए। अगर जिन लोगों को परचेस करना ऑब्वियसली वो तो करेंगे, चाहे वो Nokia हो, OnePlus 5 हो, Xiaomi का Mi Mix 2 हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोग के लिए ओपिनियन वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।